आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शाम की चाय का बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता, जिसे कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए देखते हैं रेसिपी मैंने किस तरीके से बनाया है। और इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब चने की दाल ली थी, जिसे मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था, तो ये बहुत अच्छे से सोख हो गई है। तो इस चने की दाल का हम एक पेस्ट बनाएंगे। साथ में यहाँ पर ले लेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, और साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, और इसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 5 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। सभी चीज़ों का एक पेस्ट बना लेना है, तो पानी का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। और इस दाल को मैंने एक छलनी में डाल दिया था, इसका पूरा पानी अच्छे से निकल चुका है, तो बिना पानी डाले इसका हम एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दाल का बिना पानी डाले पेस्ट बना लिया है। ये देखिए बहुत ही आराम से तैयार हो जाता है बिना पानी डाले इसका पेस्ट। तो इस तरीके का सूखा सूखा सा पेस्ट बना है, तो इसे हम निकालेंगे एक बोल में। पेस्ट तो हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो गया है, और यहाँ पर ये जो पेस्ट मैंने बनाया है बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, ये थोड़ा सा दरदरा है और कहीं कहीं तो इसमें दाल भी रह गई है। तो अब इसमें मिलाते हैं बाकी सारी चीज़ें। तो इसमें मैं डाल रही हूँ काफ़ी सारा हरा धनिया। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब ये साबुत जीरा। इसके साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, जिससे कि अच्छा कलर आ जाएगा। साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च का पाउडर, तो ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। साथ में यहाँ पर डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, तो ये नमक डाल दिया मैंने। इसके साथ इसमें डालेंगे हींग, अच्छा फ्लेवर आएगा हींग से, तो यहाँ पर मैं ये हींग डाल दे रही हूँ। 4 से 5 पिंच के करीब मैंने इसमें हींग डाला है, और पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपका मिक्सचर यहाँ पर ज़्यादा गीला हो गया है तो इसमें आप बेसन मिला सकते हैं कुछ चम्मच। और जो हमारा है दाल का जो मिक्सचर है, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम लगाएंगे हाथों पे थोड़ा तेल, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल हाथों पे लगा लेती हूँ, और ये मिक्सचर ले लेंगे स्पून की हेल्प से और इस तरीके से शेप दे देंगे। तो इस तरीके का शेप देके इसे तैयार कर लेना है। तो सभी दाल से मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये राउंड शेप में रखा है, जैसे टिक्कियाँ रहती है, आप चाहें तो इसे कैसा भी शेप दे सकते हैं, और छोटा बड़ा आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे बना सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा भी बन के तैयार हो गया है, टिक्की कह सकते हैं, कटलेट कह सकते हैं। अगर ये हाथों में चिपकता है तो तेल लगा लें। तो यहाँ पर मैंने ये दाल की सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली है, तो चलते हैं इन्हें डीप फ्राई करने के प्रोसेस में। और यहाँ पर तेल जो है मीडियम गरम हो गया है, तो इस टाइम पे जो हमने दाल की टिक्कियाँ बना के रखी है वो इसमें डालेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। और यहाँ पर हमारी ये दाल की टिक्कियाँ बहुत अच्छे से क्रिस्पी सी फ्राई हो गई हैं, बहुत अच्छा कलर भी आ गया, तो बस इसे इतना ही फ्राई करना है। सभी को मैं निकाल लेती हूँ, और बची हुई सारी टिक्कियाँ इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चने की दाल का यूज़ किया, आप यहाँ पर किसी भी दाल का यूज़ करके इस तरीके से टिक्कियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। और जो बची हुई टिक्कियाँ हैं उसे भी फ्राई कर लेते हैं। सारी दाल की टिक्कियां मैंने फ्राई कर ली है, इसके साथ मैं 5 से 6 हरी मिर्च फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये हरी मिर्च फ्राई कर ली है, और हरी मिर्च को जब भी फ्राई करें तो थोड़ा सा कट लगा दें उसके ऊपर, नहीं तो ये उड़ने लगती है। तो ये हमारी सभी चीज़ें तैयार हो गई है, तो करते हैं सर्व। और यहाँ पर हमारे ये दाल वाली टिक्कियाँ बन के तैयार है, तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनी है ये। और जो हमने मिर्चें फ्राई की है इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे ताकि नमक की अच्छी कोटिंग हो जाए मिर्चों पे। और ये इस तरीके से इसके साथ जब खाए जाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे, तो ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से ये हरी मिर्च और ये चने के दाल के टिक्कियाँ। हमारा ये चने के दाल का बहुत ही अमेजिंग सा नाश्ता, तो ज़रूर ट्राई करें, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें।